हाय, मैं हूँ नंदिनी नायर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है छोटू एंड द बिग विंड। ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम था छोटू। अब छोटू को है ना बहुत सारी चीज़ें पसंद आती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा उसे तब आता था जब वो अपने घर के छत पे जाके खेलता था। आप भी खेलते हैं कि आपके घर के छत पे? अब एक दिन छोटू अपने घर के छत पे था, वहाँ पे जो है एक रस्सी तनी हुई थी और उस रस्सी पे घर के सारे लोगों के कपड़े जो धुले थे उस दिन वो सूख रहे थे। उसमें थे उसके अम्मा के कपड़े, उसके बाबा के कपड़े, उसकी दादी की साड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट था वो था वहाँ पे जो सूख रहा था छोटू का टी शर्ट। अब ये कोई साधारण टी शर्ट नहीं था, ये लाल कलर का टी शर्ट था और ये छोटू का सबसे सबसे पसंदीदा टी शर्ट था। और इसीलिए जब वहाँ ज़ोर से हवा चलने लगी तो छोटू को एकदम डर लगा, कहीं ये हवा मेरा टी शर्ट तो नहीं उठा के लेके जाएगी। तो इसलिए उसने क्या किया पता है? उसने जो पहन रखा था ब्लू कलर का टी शर्ट वो उतार दिया और वो जो रेड टी शर्ट वहाँ सूख रहा था उसे निकाल के उसे पहन लिया और फिर ये अपना ब्लू टी शर्ट वहाँ रस्सी पे लगा दिया और जो क्लिप्स थे वो भी लगा दिए। अब छोटू को कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि अब वो इतनी बड़ी हवा वो टी शर्ट कैसे लेके जाती। तभी क्या हुआ, वो जो हवा बड़ी ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर से चलने लगी और उस हवा ने पता है क्या किया, छोटू को ढकेलना शुरू किया। तो छोटू इस ओर से उस ओर दर 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 जा रहा था और फिर इस ओर जा रहा था। अरे 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 रोको 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 रोको, छोटू चिल्लाया, लेकिन वो हवा थोड़ी ना सुनने वाली थी। उसने पता है क्या किया, फिर छोटू को उठाया हवा में और उसको ऊपर ले गई जैसे कि वो कोई छोटा सा सूखा हुआ पत्ता हो। और छोटू ने जब नीचे देखा तो उसको क्या दिखा, उसे दिखा कि सारे जो घर थे वो छोटे 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 होते जा रहे थे क्योंकि वो और ऊपर जा रहा था। उसे खुद का भी घर का जो छत था ना वो भी दिख रहा था। और फिर जब उसने इधर उधर देखा तो छोटू को दिखा कि उसके चारों ओर घर नहीं थे, लोग नहीं थे, बस बादल ही बादल थे। अरे वाह, छोटू ने सोचा, उसने तो कभी बादल देखे नहीं थे ना, तो उसने थोड़ा उनको ऐसे ऐसे सहलाया, उनको हाथ लगाया। अरे ये तो एकदम मेरे घर पे जो मेरे बेड पे जो तकिया है ना उतने ही सॉफ्ट हैं। और तभी क्या हुआ कि वहाँ पे ना उसको एकदम कुछ आवाज़ आई, वो ऐसी आवाज़ थी खड़खड़ खड़खड़ जैसे कि कोई बहुत सारे पेपर्स हिला रहा हो। छोटू ने झट से इधर उधर देखा कहीं उसके बाबा तो नहीं है, क्योंकि सुबह जब बाबा अखबार पढ़ते थे तो ऐसी आवाज़ आती थी खड़खड़ खड़खड़, लेकिन वो बाबा नहीं थे वहाँ। वहाँ पे तो बहुत सारे बर्ड्स थे और सब अपने पंख ऐसे ऐसे फड़फड़ 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 करते हुए उड़ रहे थे और एकदम अच्छी हवा चल रही थी। छोटू को लगा अरे ये तो एकदम मेरे घर पे जैसे वो फैन की हवा आती है उतनी ही अच्छी है। लेकिन थोड़ी देर बाद है ना छोटू को बोर होने लगा क्योंकि वहाँ देखने के लिए कुछ था ही नहीं, वो बर्ड सब चले गए, आप बस इधर उधर देखो तो बस उसको बादल दिख रहे थे। और फिर छोटू ने डिसाइड किया मुझे ना अब घर जाना है। तो फिर वो जो हवा थी वो छोटू को धीरे से धीमे से हल्के से नीचे उतारने लगी और अब जो घर नीचे पसरे हुए थे दिख रहे थे उसे, वो सब धीरे 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 बड़े होने लगे। और फिर छोटू बोला अरे देखो वो मेरा घर है, मुझे मेरे घर की छत दिख रही है। कैसे पहचाना छोटू ने अपना घर, क्या आप गेस कर सकते हैं? ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ पे जो तनी थी वो रस्सी, उसके ऊपर जो कपड़े थे उनको पहचाना। उसने देखा कि बाबा का टी शर्ट था उस पे, उसके अम्मा का शर्ट था और उसके दादी की साड़ी थी, अरे और खुद छोटू का जो ब्लू टी शर्ट था ना वो भी था वहाँ। तो हवा ने धीरे 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 करके छोटू को लाया और धीरे से वो छत पे छोड़ दिया। छोटू को इतना अच्छा लगा कि वापस घर आ गया था कि उसे लगा कि मुझे किसी को बताना है, आई एम बैक, मैं वापस आ गया करके वो जोर से भागा। और फिर वो भागता हुआ नीचे गया और चिल्ला रहा था आई एम बैक, अम्मा मैं वापस आ गया। अरे अम्मा बोली लेकिन तुम गए कहाँ थे, तुम तो छत पे ही खेल रहे थे ना। फिर छोटू ने पूरी कहानी बताई कि अम्मा मैं छत पे तो खेल रहा था लेकिन इतनी जोर से हवा आई कि हवा ने मुझे उठा लिया और ऊपर लेके गई और वहाँ पे ना मैंने पता है क्या देखा, मैंने एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट क्लाउड्स देखे, एकदम मेरे गद्दे के जैसे सॉफ्ट। और फिर मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स, वो बर्ड्स पता है कैसी आवाज़ कर रहे थे जैसे बाबा करते हैं जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और फिर हवा भी अम्मा वहाँ पे बिल्कुल ऐसी थी जैसे अपने घर की हवा हो, फैन से आ रही हो। अच्छा, अम्मा को बड़ा मज़ा आया ये कहानी सुन के। फिर अम्मा का ध्यान गया छोटू के टी शर्ट पे और अम्मा बोली छोटू ये टी शर्ट ये तो गीला था ना,
ये तो रस्सी पे टंगा था ना सूखने के लिए, तुमने ये टी शर्ट क्यों पहन रखा है? तो छोटू बोला, लेकिन अम्मा हवा ने है ना ये मेरा जो फेवरेट रेड टी शर्ट है ना इसे सुखा दिया है। और जब अम्मा ने हाथ लगा के देखा तो उसने देखा कि अरे हाँ, ये टी शर्ट तो गीला था ही नहीं, वो तो पूरी तरह से सूख गया था। अब ये थी कहानी जो मैंने आपको अभी सुनाई, छोटू एंड द बिग ग्रिन। इस कहानी को लिखा है मैंने और इसमें इतने सुंदर जो चित्र निकाले हैं वो है तन्वी भट्ट के। देखिए छोटू कैसा बादलों में है और एकदम एंजॉय कर रहा है, और यहाँ देखिए वो अपने घर वापस आ रहा है, उसके घर की छत दिख रही है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कॉमेंट्स मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। और मुझे ये भी बताइए कि क्या आप ही आपके घर की छत पे जाके खेलते हो, और खेलते हो तो क्या खेलते हो। तो मिलते हैं फिर अगली बार विथ अ ब्रांड न्यू स्टोरी। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।